हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि सी टेट का एग्जामिनेशन के बाद ही जो है बी एड की एग्जाम लिए जाएंगे, सेम यही चीज हुआ है। एक यूनिवर्सिटी ने जो है अपना बी एड एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस किया है, साथ ही साथ फॉर्म फिलअप का भी जो डेट है वो निकाल दिया है। तो उस यूनिवर्सिटी, कौन सी वो यूनिवर्सिटी है, कब से एग्जामिनेशन होंगे एंड फॉर्म फिलअप आप कब से कर सकते हो, ये सभी चीज़ें जो है डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ जो है 2 दिनों से हम लोग पेड क्लास नहीं ले पा रहे थे और साथ आपका जो यूट्यूब पे आपका लाइव क्लास चलता है वो भी नहीं हो पा रहा था। तो ये क्यों नहीं हो रहा था, ये सभी चीजें जो है इसके पीछे का रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर आप पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप अवध यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, CCS यूनिवर्सिटी एंड बिहार यूनिवर्सिटीज का पेड क्लास परचेज कर सकते हैं। आपको जो नंबर दिया जाता है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। चलिए बात कर लेते हैं कि 2 दिनों से जो है हमारा पेड क्लास क्यों नहीं हो रहा था, हमारा लाइव क्लास यूट्यूब पे जो 4 बजे का होता है वो क्यों नहीं हो रहा था। तो उसका रीज़न जो है आप देख सकते हैं, हम लोग जो है अपने स्टूडियो सेटअप में थोड़ा सा बिजी थे। इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च हमें करनी पड़ी, कैमरा कौन सा लें, स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए तो कौन सा होना चाहिए जिससे आपके पास बेस्ट क्वालिटी पहुंचे, तो इन सभी के पीछे हमने रिसर्च किया और उसमें हम बिजी थे, इसकी वजह से ये क्लास नहीं हो पाया। हमें ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जितना रिसर्च हमें करना पड़ा या जितना स्ट्रगल हमें करना पड़ा, ये आपको नहीं करना पड़े। इसकी वजह से जो है हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, जो हमारा दूसरा चैनल है कैटलिसोनी 2.0, उस पर हम डिटेल से बताएंगे, ताकि अगर इन फ्यूचर आपको कुछ ऐसा करना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, या फिर आपके फ्रेंड्स कोई ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं अपना नॉलेज। सो ये रही स्टूडियो की बात। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि अपना एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस की है। चलिए आते हैं उसके लिए। हम देखिए, ये जो भी है यूनिवर्सिटी वो सभी धीरे धीरे करके आपको निकाल करके देंगे ही, सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो है इसी तरह से आपको आएगा। ये यूनिवर्सिटी हमारी RMPSU है। जैसे आप लोग जानते हो कि इस बार से RMPSU जो है फॉल सेमेस्टर कर चुका है और सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू रूल जनवरी टू फरवरी के बीच में होना है। तो क्योंकि सीटेट का एग्जाम हो रहा था इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ है। आप टाइमिंग डेट देख सकते हैं, ये RMPSU यूनिवर्सिटी का जो है आपको मैं बता ही दूँ, ठीक है। एक सेकंड में थोड़ा RMPSU यूनिवर्सिटी के लिए आपको सारी चीज़ें डिटेल में देती हूँ, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि ये साइट पर है भी कि नहीं है। तो बिल्कुल ये साइट पर ही है, ये आप अपने साइट पर भी जाकर के देख सकते हो, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी RMPSU। डेट आप देखोगे 27 जनवरी को जो है ये निकला है और फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो दिया गया है। सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप का डेट देख लीजिए, फॉर्म फिलअप का आपको डेट दिया गया है 27 जनवरी 2023 से 10 फरवरी तक, ठीक है। आप लॉग इन करके कर सकते हो, कब 27 जनवरी से जो है ये स्टार्ट हुआ है और 10 फरवरी तक जो है आप ऑनलाइन भरे जाएंगे, आप फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए जानना है कि भाई ये एग्जामिनेशन जो है होगा कब, उसका भी डेट यहाँ पर दे दिया गया है, उसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए, लिखित परीक्षा दिनांक 23 फरवरी से ली जाएगी, 23 फरवरी से जो है ये एस्टिमेट किया गया है कि एग्जामिनेशन होगा और इसके रिलेटेड जो है कार्यक्रम, जो परीक्षा कार्यक्रम जिसको हम डेट शीट बोलते हैं, वो भी बहुत जल्द जो है जारी कर दिया जाएगा। तो ये RMPSU ने अभी निकाला, इसके बाद जो भी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर में लेती है वो सभी अपना डेट अब अनाउंस करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं RMPSU के नोट्स को लेकर के, एंड क्लासेस के बारे में भी आप पूछ रहे थे। तो RMPSU का नोट्स जो है अवेलेबल है, मैंने पहले ही आपको बताया था, तो आप वो परचेज कर सकते हो। कहाँ से परचेज करोगे वो चीज़ें जो है मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि आपको परचेज जो है ये चीज करना कहाँ से है। आपको नंबर जो पहले से जिस पे आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो नंबर वही है। सो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि RMPSU का नोट्स होगा कैसे, क्यों ये आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप नोट्स देख सकते हो, ये आप लोगों का जितना सब्जेक्ट है, एक आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है उसके लिए EVS का बना हुआ है, तो EVS आपको मिलेगा। ये आपका चाइल्डहुड हो गया, कंटेम्प्रेरी है, EVS है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, योगा एजुकेशन, इसमें डिटेल से आपको दिया गया है। एक एक छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं वो भी डिस्क्राइब किया गया। अब थोड़ा सा आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर इस नोट्स का जो है किस तरह का आपको मिलेगा। ये आपका फ्रंट पेज है, फिर आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप लोग भी जानते हो स्टार्टिंग आप लोग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप लोगों को जो भी चीज़ें पढ़नी है उसको डिटेल्स, और जैसे एग्जामिनेशन में लिखना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया ना कि एग्जामिनेशन में आपको जो है
लिखने पे मार्क्स मिलता है, तो पहले हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जानते ही हो। तो ये चीज़ें जो है आपको मिलेंगी नोट्स में, इंट्रोडक्शन में आपको कैसे लिखना है। नीचे में आप आओगे तो आप लोगों को साइकोलॉजिस्ट का, जैसे देखो यहाँ पे वृद्धि और विकास का जो है एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सभी चीज़ें जो हैं आपको इसमें मिल जाएंगी। इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं से कुछ और जो आप लोग बोलते हो गेस पेपर ले ले मैम क्या ले ले, वो सब कुछ भी लेने की जरूरत नहीं होगी। देखो एक एक पॉइंट पर अगर आप बोलोगे कि मैम अगर ऑब्जेक्टिव ले लिया तो भी ये नोट्स क्यों आप लोग के लिए बेनिफिट है वो भी मैं बता दूँ। हाँ देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो है सारी परिभाषाएँ लिखनी होती है ना, यहाँ पे देखते हो परिभाषाएं आपको लिखनी पड़ेंगी। तो इस परिभाषाओं में जो है आप देखोगे हर लॉग का है, जितना जैसे लॉन्ग पूछेगा उस तरह से ये आपको डिस्क्राइब किया गया है इन्वर्टेड कॉमा दे करके। तो एग्जैक्टली वही पैटर्न में दिया जाएगा जिस पैटर्न में आपको लिखना है एग्जाम में, बताती हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि ये फिर ऑब्जेक्टिव के लिए क्यों है। देखो मैंने यहाँ पे जैसे वृद्धि का प्रकृति निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, ये आप यहाँ पे देखोगे ना तो पॉइंट में भी लिख दिया गया है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि ग्रोथ क्या है, उसमें आपको दे देगा कि वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है, वृद्धि का जो कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये इसी से पॉइंट से निकल के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए ये जो नोट्स है आप लोगों का, आपके जो है मैं बोल सकती हूं कि ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, दोनों के लिए आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। ये आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये नंबर आप देख लीजिए, दो नंबर है, दोनों के दोनों व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप जो है मैसेज कर सकते हो एंड मैसेज करके RMPSU का जो है पेड नोट्स आप परचेज कर सकते हो। इस नोट्स की खासियत मैं पहले आपको बता दूं, इसमें जो है जो भी एग्जामिनेशन अगर आपका डिस्क्रिप्टिव लिया जाए, ठीक है, एग्जामिनेशन का भी पैटर्न जो है वो नहीं बता रहा है यूनिवर्सिटी कि वो डिस्क्रिप्टिव लेगा या ऑब्जेक्टिव लेगा, तो ये चाहे आप लोगों का जो है डिस्क्रिप्टिव लिया जाए या ऑब्जेक्टिव लिया जाए, ये नोट्स आप लोगों के लिए सफिशियंट होंगे, कंप्लीट सफिशियंट होंगे। इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑफिशियल साइट से जो आप लोगों का दिया गया है उसी से बनाया गया, तो उसमें कहीं पर कुछ भी चीज़ें नहीं छूटेगी। तो आप लोग नोट्स यहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे डेट शीट आएगा, तो डेफिनेटली आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस।